आए आपको मिर्जापुर के लालगंज की ओर ले चलते हैं, जहां पर थाना क्षेत्र के दुबार कला मार्केट में भोलेनाथ के मंदिर पर भोलेनाथ के भक्तों ने सभी महिला पुरुषों को बैठा कर शिव चर्चा का पाठ कराया गया और लोगों को सूत्र भी याद करने के लिए कहा गया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए मिर्जापुर लालगंज से संवाददाता भूप नारायण की खास रिपोर्ट। मैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से भूप नारायण मौर्य, मैं आपको ले चला मिर्जापुर जिला के थाना क्षेत्र लालगंज दुबार कला मार्केट में भोलेनाथ के मंदिर पर। देखते हैं कि एक महाराज जी हैं वहाँ एक बैठक किया है और इस बैठक से क्या चर्चा के साथ जो है कि क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को, आइए जानते हैं। महाराज जी आप बताइए आपका क्या नाम है? महानगिरी। जोर से बोलिए। महानगिरी। आप इस जो है जो चर्चा बैठाए इसलिए आप इस मंदिर के माध्यम से इन लोगों को बैठा कर कौन सा जो है कि विषय पर इन लोगों को जानकारी दे रहे हैं? देखिए यह एक आध्यात्मिक विषय है। अध्यात्म के तरफ माने जो कहा जाता है कि आत्मा के बारे में अध्ययन करना ही अध्यात्म है। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन, जैसे कि आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाए, और यह शिव गुरु चर्चा है। शिव गुरु चर्चा के माध्यम से यह लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि वो भगवान शिव जिनको हम आप भगवान मानते हैं वो गुरु भी हैं, उनको अपना गुरु बनाया जा सकता है। और इसके लिए साहब का 3 सूत्र है, दया मांगना, चर्चा करना और नमः शिवाय से अपने गुरु को श्वास के माध्यम से प्रणाम करना। और ये जनहित के लिए एक एक जन को कहते हैं मूल संदेश साहब हरिंद्रानंद का यह संदेश है कि सभी धर्म संप्रदाय जाति वर्ण वर्ग लिंग वर्ग के लोग यदि महेश्वर शिव जो जन जन के गुरु हो सकते हैं उनको अपना या सभी शिष्य भाव अर्पित करने को अग्रसर हों, यही मनसा वाचा कर्मणा शिव शिष्यों का एकमात्र लोकाचरण है। तो जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्जापुर दुबार कला से प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए भूपनानी खास रिपोर्ट। आपका पसंदीदा चैनल प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज स्टार टीवी पे उपलब्ध है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब